गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए आज हम अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं कि पिछला तो हमारा जो क्लियर हो चुका है कि हमारा क्या था, होज फिटिंग्स का था, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें जो सीखी थी, होज को किस प्रकार से फिट करना है, डिलीवरी होज थे या सक्शन होज थे, उनके अडप्टर वगैरह थे या ब्रीचिंग वगैरह थी, वो सब कुछ हमने कवर कर लिया है। अभी अगला जो स्टेप हमारा बढ़ता है, अगला जो चैप्टर है वो हमारा है स्मॉल गेयर्स का। स्मॉल गेयर्स का मतलब क्या होता है, छोटे उपकरण, गियर्स उपकरण आते हैं हमारे यहाँ पे फायर सर्विस में, हम इसको बोलते हैं स्मॉल गियर्स। देखिए क्या कहता है पहला ही क्वेश्चन, जो चैप्टर से हिसाब से चैप्टर के हिसाब से हम चलते हैं, तो कहता है देखिए फायर सर्विस में कुछ छोटे छोटे यंत्र उपकरण, यंत्र भी है और उपकरण भी है, ऐसे होते हैं जिनको फायर फाइटिंग के समय जब हम आग बुझाते हैं, आग से लड़ते हैं या बचाव करते हैं, उस समय क्या होता है, शीघ्रता एवं सुविधा पूर्वक कार्य करने के लिए प्रयोग किया जाता है, उनको हम स्मॉल गियर्स कहते हैं। ये इसकी परिभाषा थी। देखिए जब हम फायर सर्विस में फायर फाइटिंग करते हैं और उस काम को जल्दी से कर पाएं या आसानी से कर पाएं, तब हमें इन स्मॉल गियर्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ये बात कहना चाहता है स्मॉल गियर्स पे। अगला पॉइंट देखिए क्या कहता है कि अध्ययन हेतु स्मॉल गियर्स को कितने भागों में बांटा गया। अब स्मॉल गियर्स का इसने वर्गीकरण कर दिया है, भाग बना दिए इसके, तो भाग देखिए हम उसके ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे कि कौन कौन से भाग हैं इनके, अलग अलग किया गया है कि किस किस प्रकार के गियर्स होते हैं, उनके भागों पर आप गौर कीजिए। देखिए सबसे पहले नंबर पर क्या आता है, देखिए नंबर बताने से पहले मैं आपको बता देता हूं, स्मॉल गियर्स को मुख्य रूप से सात भागों में बांटा गया है। सात भाग इसने मुख्य मुख्य बना दिए, उन्हीं में उन गियर्स को शामिल कर दिया गया। देखिए सबसे पहला क्या कहता है, ब्रेकिंग इन टूल्स, ब्रेकिंग इन टूल्स। ब्रेक का मतलब ब्रेक करना, तोड़ना, तोड़ने, देखिए हिंदी में क्या कहेगा ये कि तोड़ने फोड़ने वाले, जो तोड़ फोड़ करने वाले यंत्र होते हैं उनको सभी को इसमें शामिल कर दिया है। वो कौन कौन से उपकरण होते हैं हमारे जो तोड़ फोड़ कर सकते हैं, कौन से आते हैं, देखिए कहता है ये कि तोड़ फोड़ करने के लिए किन चीजों की जरूरत, देखिए पहले कौन सी चीजें तोड़नी पड़ेंगी हमें, देखिए दरवाजे खोलना, तोड़ना या खिड़कियां खोलना, या लोहे की जो छड़े होती हैं, या जंजीरें जो होती हैं, बेल होती हैं, या ताले जो होते हैं, उनको तोड़ने के लिए इन उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। कैसे, कौन से उपकरण, देखिए सबसे पहले कहता है हैमर आपका हो जाता है, हथौड़ा जो होता है, उसके बाद चीजल होती है, एक छेनी होती है, आप मोस्टली इस्तेमाल करते हैं घरों में, छेनी होती है, एक सीयर होती है, कैंची होती है, एक लार्ज एक्स होती है, बड़ी कुल्हाड़ी भी होती है, एक होता है बोल्ट कटर होता है, डोर ब्रेकर होता है, परसवेडर होता है, पैडलॉक रिमूवर होता है। देखिए मैं आपको बता देता हूं, डोर ब्रेकर, डोर को तोड़ने वाला, दरवाजों को तोड़ने वाला, आप गूगल से आप सर जो जो मैं नाम आपको बताता जा रहा हूं आप अपना देखते रहना, और जैसे ही आप अपने बुक में देखेंगे वहां पर भी आप इसके नाम देखेंगे सारे के सारे। मैं बस आपको वर्बली बता देता हूं कि इस प्रकार के उपकरण होते हैं, और डिटेल्स में बता रहा हूं कि ये उपकरण उस काम आता है, तो आप वो चीज समझ सकते हैं अपनी बुक के हिसाब से, आप मिलाते रहिए देखते रहिए। परसुएडर होता है, एक पैडलॉक रिमूवर होता है, पैडलॉक रिमूवर, पैडलॉक मतलब ताला, उसको रिमूव करने वाला, ताला तोड़ने वाला भी एक विशेष उपकरण होता है। तो ये जो कुछ कुछ खास उपकरण थे जिसके इन्होंने नाम बताए हैं, ये सारे के सारे हमारे क्या करते हैं, ब्रेकिंग इन टूल्स में शामिल होते हैं। नंबर दो पे देखिए क्या कहता है ये, कटिंग इन टूल्स, काटने वाले जितने भी उपकरण होते हैं उनको इस ग्रुप में शामिल किया गया है नंबर दो में, कटिंग इन टूल्स। देखिए कौन कौन से उपकरण ऐसे होते हैं जो हमारे काटने काम आते हैं, किस चीज को काटने काम आते हैं, देखिए ये वो उपकरण होते हैं जो वस्तुओं को काटने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। कौन कौन से उपकरण है वो देखिए, सबसे पहले इसने दिया है सा, सामने आरी, आरी आप समझते हैं, देखिए उसके बाद दिया इसने फाइल्स, रेती जो होती है वो
फिर आपका आता है हे नाइव्स, घास काटने वाली दांतें होती है, ठीक है। उसके बाद कहता है ड्रिल्स होते हैं आपकी, बर्मे होते हैं, ठीक है। एक होता है आपका गज, बिट आप जिसे बोल सकते हैं, ये जो उपकरण होते हैं ये सिर्फ काटने के काम आते हैं, ठीक है। दूसरा देखिए, ये तो हो गया, दूसरा सॉरी तीसरे पे आते हैं हम, तीसरे पे कहता है रेस्क्यू गियर्स, बचाव कार्य में प्रयोग होने वाले यंत्र। जब हम कोई भी बचाव कार्य करते हैं तो उस दौरान हमें किन किन उपकरणों की जरूरत पड़ती है। देखिए कहता है कि जब हम किसी की जीवन की रक्षा करते हैं तो उस दौरान जो हम उपकरण प्रयोग करते हैं उन्हें हम रेस्क्यू गियर्स कहते हैं। कौन कौन से होते हैं देखिए, सबसे पहले इसने दिया है जंपिंग सीट। कई बार आपने जहाज में देखा होगा कि जंप कर जाती है वो सीट, इस प्रकार की सीटों की जरूरत पड़ती है। किसी बेसमेंट में हो या कहीं बाहर हम बचाव कार्य कर रहे हैं, व्यक्ति को उसके ऊपर बैठाते हैं और उसे जंप करवाते हैं, वो जंपिंग सीट हो जाती है। उसके बाद ये कहता है रबर ग्लव्स, रबर के दस्ताने जो होते हैं वो हमारे बचाव में काम आते हैं। एक होती है एस्बेस्टस ब्लैंकेट, हमने दूसरे ही चैप्टर में किया था कि एस्बेस्टस ब्लैंकेट खनिज पदार्थ युक्त एक कंबल होता है जो ताप अवरोधक क्षमता के लिए प्रसिद्ध होता है और 4x4 या 6x6 साइज के होते हैं, उसकी ये बात कर रहा है। उसके बाद देखिए एस्बेस्टस सूट, उसी कपड़े का, उसी खनिज पदार्थ का एक पूरा कंप्लीट सूट बनाया जाता है, वो पहन करके आग से हम फाइट कर सकते हैं या किसी व्यक्ति को उसको पहना सकते हैं और तब हम बचाव कर सकते हैं। एक आता है क्विक रिलीज नाइफ, इसका मैं नाम लिख दूं, क्विक रिलीज नाइफ, जल्दी से रिलीज करने वाला चाकू। एक होता है जैसे जहाजों की सीट बेल्ट जो होती है उसको काटने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो हमारा सिंपल चाकू होता है उससे हम उसको आसानी से नहीं काट पाते, तो उसके लिए एक स्पेशल चाकू बना है। क्यों? उसके बेल्ट के अंदर, सीट बेल्ट के अंदर लोहे की तारें होती हैं, उनको हमारे सिंपल चाकू से हम उसको नहीं काट पाते, उसके लिए एक चाकू बना गया क्विक रिलीज नाइफ, उससे हम बहुत जल्दी सीट बेल्ट को काट लेते हैं। कई बार हो जाता है क्रैश हो जाता है या हमारी गाड़ी कहीं फंस जाती है, उसमें हम फंस जाते हैं, तो उस चाकू के जरिए जब हम बचाव कार्य में जाते हैं फायर फाइटर, तो उस चाकू के जरिए उस सीट बेल्ट को हम आसानी से काट पाते हैं। उसके बाद देखिए क्या कहता है, एक होती है हमारी सीलिंग, जो छतों में जब आग लग जाती है उस सीलिंग के जरिए हम क्या करते हैं, उनको नीचे गिराने के लिए हम काम करते हैं। उसके बाद देखिए कहता है फायरमैन एक्स, बहुत ही विशेष उपकरण है फायरमैन एक्स। देखिए फायरमैन एक्स का मैं चित्र बना के आपको दिखाता हूं, ये फायरमैन एक्स कुछ इस प्रकार से होती है भाई, आपकी बहुत ही उपयोग में आने वाला हमारा उपकरण है ये, जो रेस्क्यू गियर में शामिल किया गया है, बहुत ही जगह पर ये काम आता है। कई बार तो क्या करते हैं हम, कटिंग इन टूल्स में भी इसको शामिल कर लेते हैं, ब्रेकिंग में भी इसको शामिल कर लेते हैं। फायरमैन एक्स मैं लिख देता हूं, फायरमैन एक्स, एक्स मैंने क्या होता है, कुल्हाड़ी होती है, और ये क्या है, फायरमैन की कुल्हाड़ी होती है भाई, विशेष उपकरण, ये फायर फाइटर के साथ होता ही है। उसके बाद ये कहता है रबर की चप्पलें इसने दी गई हैं, रबर के मैट्स इसने दिए हैं, और क्या है, प्लायर्स होते हैं, इंसुलेटर प्लायर्स होते हैं जो हमारे हाइड्रोलिक बेस पर काम करते हैं, प्लास जो होते हैं ना उनको प्लायर्स बोलते हैं, वो चीजें इसमें शामिल है। उसके बाद देखिए नंबर चार पे हम जाते हैं, लाइट्स। अब देखिए लाइट्स का काम क्या होता है, जब हम बचाव कार्य करते हैं या आग बुझाते हैं या रात के समय में जब हम कार्य करते हैं तो हमें जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, लाइट्स की हमें उस समय बहुत ही अधिक जरूरत पड़ती है। तो लाइट्स में देखिए क्या क्या कहता है ये, कई बार क्या होता है कि हमें जैसे सर्दियों के मौसम जब चलता है तो धुंध बहुत ज्यादा हो जाती है, कोहरा बहुत ज्यादा हो जाता है, उसको हटाने के लिए जैसे हम फायर की गाड़ी लेकर भी चलते हैं, तो देखिए लाइट्स में ये कहता है जो फ्लड लाइट्स हमारी हो जाती हैं, उसके बाद देखिए क्या कहता है ये, प्रकाश की जो हमें व्यवस्था करनी पड़ती है तब हमें
इन उपकरणों की जरूरत पड़ती है, जैसे फ्लड लाइट होती है, ठीक है, फ्लड लाइट आपने देखी होगी, धुंध या कोहरे को हटाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। एक होती है ब्लो टॉर्च, जैसे आपने तकरीबन इसमें देखा होगा, जैसे मूवीज में देखते हैं हम, जेल में एक लाइट ऐसे घूमती है बहुत तेज रोशनी के साथ, इस प्रकार की लाइटें जो होती हैं वो हमें हमारे लाइट्स वाले उपकरणों में शामिल किया गया है। अगले पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है, ये नंबर 5 पे आ जाते हैं हम, इसको ये बोलता है टर्निंग ओवर टूल्स। टर्निंग ओवर टूल्स, टर्निंग का मतलब ओवर, उलट पुलट करने वाले उपकरण। देखिए क्या कहता है ये इसमें, आग बुझाते समय मलबा कचरा को उलट पुलट करके, दबी हुई आग को खोज करके बुझाना और पानी को काट करके, पानी हटा करके या काट करके उस तक पहुंचना, आग तक पहुंचना, तो वहां पर हमें किन उपकरणों की जरूरत पड़ती है? टर्निंग ओवर टूल्स की, ऐसे उपकरणों की जरूरत पड़ती है। तो कौन कौन से नाम, इसने कुछ नाम बताए हैं, देखिए क्या कहता है। सबसे पहले कहता है मटक होती है हमारी, एक कुदाल जो होती है, कुदाली बोल देते हैं आप उसको, ये लगा लो खोदना बोल देते हैं, मिट्टी खोदने वाला होता है, एक लंबा सा सरिया और आगे से उसको थोड़ा नुकीला कर लिया जाता है, वो होता है हमारा कुदाल। फिर होता है स्पैड, फावड़ा जो होता है, फावड़ा अक्सर आप इस्तेमाल करते हैं पशुओं के तबेले में, फावड़े का इस्तेमाल किया जाता है गोबर वगैरह हटाने के लिए, वो फावड़ा होता है, वैसा नहीं हमारा फायर का, धातु का बना होता है। उसके बाद कहता है ये सीलिंग हुक आ जाती है हमारी, ये जो कुछ पॉइंट है मैं इनको आगे बताऊंगा आपको डिटेल के साथ, सीलिंग हुक आ जाती है हमारी। फिर आ जाता है हमारा स्टैग ड्रैग होता है, ड्रैग हुक होता है, ड्रैग हुक आपने देखा होगा मूवीज में, जिसमें 5 दांते बने होते हैं कुछ इस प्रकार से, जैसे ये हो गया, इस प्रकार से हो गया, ये हो गया, ये हो गया, देखा होगा आपने ये, बिल्कुल, इसको हम बोलते हैं ड्रैग हुक। उसके बाद कहता है ये, हाँ ये इतने पॉइंट इसने मुख्य मुख्य इसने नाम बताए हैं, इस प्रकार के जो उपकरण होते हैं उन सभी को किसमें शामिल किया गया है? टर्निंग ओवर टूल्स में। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, उसके अगला पॉइंट आ जाता है हमारा 6। क्या लिखा है? ट्रांसपोर्ट टूल्स। ट्रांसपोर्ट क्या होता है? यातायात होता है, उसके साथ कौन से उपकरण होते हैं? जैसे हमारी फायर की गाड़ी होती है, जब वो लेकर के हम चलते हैं तो उसके साथ हमें औजारों की जरूरत पड़ती है। नॉर्मली आप मान लीजिए एक साइकिल पे आप जाते हैं तो उसके लिए भी हमें औजार की जरूरत पड़ती है, बाइक के लिए भी जो औजारों की जरूरत पड़ती है, तो ये तो हमारी फायर की गाड़ी होगी। इसके साथ देखिए क्या कहता है, मोटर गाड़ी के की मरम्मत में प्रयोग होने वाले जितने भी उपकरण होते हैं उनको हम ट्रांसपोर्ट टूल्स में शामिल करते हैं। जैसे देखिए क्या कहता है, एक होता है सबसे पहले इसने दिया जैक में हैंडल, एक हैंडल होता है जिसमें जैक होता है वो हैंडल हो जाता है। उसके बाद इसने दिया है स्क्रू रिंच होता है और स्क्रू ड्राइवर होता है, ऑयल कैन होती है, ग्रीस गन है, टायर लीवर, उसके बाद है इसने प्लायर्स हो गए, प्लास जो होता है हमारा, उसके बाद दे दिया इसने मैग्नेट रिंच सेट, जितने भी हमारे औजार होते हैं छोटे छोटे नट बोल्ट्स होते हैं उनको मैग्नेट की जरूरत पड़ती है, कई जगह ऐसा होता है कि उसको अंदर से निकालना बड़ा मुश्किल होता है, तो मैग्नेट रिंच की हमें वहां पर जरूरत पड़ती है। तो ये जितने टूल्स इसने दिए हैं ये सारे के सारे हमारे ट्रांसपोर्ट टूल्स में शामिल होते हैं। अब आते हैं हम नंबर 7 पर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट उपकरण है, पार्ट है, इसने दिया है मिसलेनियस या स्पेशल इक्विपमेंट। मिसलेनियस या स्पेशल इक्विपमेंट, विविध या स्पेशल उपकरण जो होते हैं हमारे, क्या कहता, देखिए विशेष छोटे छोटे यंत्र उपकरण हैं, ऐसे यंत्र उपकरण हैं जो इन सभी ग्रुपों से हट करके हैं, जो इनमें नहीं आता है वो इसमें आते हैं,
वो सबसे अलग है, इसलिए इसको मिसलेनियस कहा गया है, विविध कहा गया है कि सबसे अलग ये उपकरण होते हैं जो किसी अन्य ग्रुप में नहीं आते हैं, वो इस ग्रुप में शामिल है। देखिए क्या कहता है ये, सबसे पहले इसने दे दिया कैनवास बकेट। कैनवास जो हमारा एक होज था, डिलीवरी होज था, उसकी इसने बाल्टी बना दी, बकेट बना दी, वो होती है। फिर फायर बैट होता है, ट्रॉली बस शॉर्ट सर्किटिंग गियर्स होता है, कई बार देखा होगा आपने, बहुत लंबी सी लैडर होती है और स्ट्रीट लाइटों को ठीक करते हैं, उस प्रकार से उपकरण होता है। फिर हो जाता है हमारा चिमनी रॉड होती है, और हो जाता है फर्स्ट एड बॉक्स, और सबसे विशेष उपकरण है हमारा जो कौन सा रह जाता है, स्ट्रेचर होता है। किसी घायल व्यक्ति को जब हम लेके जाते हैं तो वहां पर स्ट्रेचर का हम प्रयोग करते हैं। तो ये तो थे हमारे जो वर्गीकरण किया गया स्मॉल गियर्स का, वो सातों के सातों पार्ट हमारे यहां पर हैं। इससे हम अब आगे बढ़ते हैं, कुछ इनके अंदर कुछ उपकरणों के नाम मैंने आपको बताए थे, जिनको अभी मैं डिटेल से बताऊंगा। तो सबसे पहले कहता है, ये सब हो गए तो इनकी हम देखरेख कैसे करेंगे इन सभी उपकरणों की, उसमें देखिए क्या कहता है ये, स्मॉल गियर्स को भली भांति साफ रखना चाहिए, समय समय पर चेक करते भी रहना चाहिए, धार वाले औजारों की धारों को बचाकर रखना चाहिए, इनकी धार हमेशा तेज रहनी चाहिए, धातु के भागों को हल्का ग्रीस लगाकर रखा जाए तो जंग से बचा जा सकता है। देखिए क्या क्या कह रहा है ये, कि जिनकी धार होती है, जो तेज धारदार वाले होते हैं, जैसे इधर से धार है या इनकी धार होती है, इनको धार को बचा करके रखना हमारी जिम्मेदारी है। उसके बाद कुछ उपकरण ऐसे होते हैं जैसे प्लायर्स वगैरह हो जाते हैं, कैंची हो जाती है, उनको ग्रीस लगाना बहुत जरूरी होता है, तो समय समय पर उनको ग्रीस भी लगाते रहिए, साफ सुथरा भी आप उनको रखिए। उसके बाद ये कहता है लकड़ी के वाले जो हैंडल होते हैं उनको हमें बचा के रखना होता है। कई बार हमारे घरों में कुल्हाड़ी होती है लकड़ी का, उसके अंदर डंडा लगा होता है, जब हम लकड़ियाँ फाड़ते हैं तो वहाँ से वो कट कट करके उसमें से लकड़ी निकलने लगती है बारीकी से, वो टूटना शुरू हो जाता है फिर धीरे धीरे, तो उनको बचाने के लिए हमारे पास एक वार्निश कोटिंग होती है, वो उसके ऊपर समय समय पर करते रहना चाहिए। तो ये तो इसने बात की थी देखरेख की। अभी हम बात करते हैं, एक विशेष उपकरण है, मैंने इसमें बताया था आपको ये सबसे पहले ब्रेकिंग इन टूल्स में, ये था हमारा सीयर। सीयर होता है एक हमारा, जैसे प्लास होता है ना, उसी प्रकार से ये सीयर होता है। आपको एग्जांपल में दिखा देता हूं, ये इस प्रकार से होता है, ये हमारा सीयर होता है। सीयर कैसे होता है देखिए, एक विशेष प्रकार की कैंची जैसा होता है, जैसे हमारी कैंची होती है, ये उस प्रकार का होता है। कैंची के जबड़े पर स्टील, कैंची के जो जबड़े होते हैं वो स्टील के बने होते हैं, ठीक है। उसके बाद कहता है कि लंबे हत्थे होते हैं इसमें, अभी आप इसमें देख पा रहे हैं कि लंबे हत्थे हैं इसमें, उनके जरिए क्या होता है, ये खुलता और बंद होता है, ठीक है। और हमें अधिक शक्ति लगाने की जरूरत नहीं होती, ये हमारी लोहे की जंजीरें वगैरह हैं या ताले हैं या कुंडे हैं, उनको आसानी से ये काट देता है, ये है हमारा सीयर। उसके बाद ये कहता है, एक था हमारा बोल्ट कटर, अब कटर आ गया तो कटिंग वाले टूल्स में शामिल कर देंगे हम इसको। देखिए कैसे करता है, एक विशेष प्रकार का यंत्र है, इसमें जंबूर की भांति स्टील के जबड़े होते हैं। जंबूर आपने देखा होगा, जो कारपेंटर जो होता है, लकड़ी का जो मिस्त्री होता है, उसके पास एक जंबूर होता है कीलों को निकालने के लिए, उस प्रकार से होता है, कुछ इस प्रकार से होता है, आप सर्च कर सकते हैं, फोटो देख सकते हैं आप उसमें। तो इसमें एक हत्थे पर चूड़ीदार नॉब द्वारा खुलते और बंद होते हैं, चूड़ीदार नॉब होती है उसमें, और जबड़ों में बोल्ट आदि को फंसाकर नॉब को घुमाने से बोल्ट जो होता है वो आसानी से निकल जाता है। उसके बाद देखिए इसने कहा है डोर ब्रेकर, डोर ब्रेकर ब्रेकिंग वाले में शामिल हो गए, जो दरवाजों को तोड़ने के लिए इस डोर ब्रेकर का हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद ये कहता है बाद आता हमारा सीलिंग हुक। सीलिंग हुक पे देखिए आप थोड़ा गौर कीजिएगा, सीलिंग हुक का मैं आपको आपके सामने चित्र बनाता हूं, ये देखिए,
ये कुछ इस प्रकार से होता है भाई आपका सीलिंग हुक। देखिए क्या कहता है इसमें, ये कि ये कितना है, ये यहां से यहां तक का ये 7 फीट लंबा है भाई, 7 फीट लंबा होता है, और सॉरी 7 से हम इसको 8 फीट भी ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये देखिए कहता है 7 से 8 फीट लंबे डंडे 1.5 इंच मोटा, जो डंडा जो होता है इसकी मोटाई इसने 1.5 इंच रख दी है, लकड़ी के पोल के एक सिरे पर एक धातु का विशेष हुक लगा होता है, विशेष हुक लगा होता है जिसमें 4 इंच का सीधा नुकीला भाग होता है, जो ये इतना भाग ये इसने दिया है ये आपका 4 इंच का होता है, 4 इंच का होता है। उसके बाद आगे देखिए क्या कहता है, ये सीधा भाग होता है, उसी से समकोण बनाता हुआ, इसी पार्ट से समकोण बनाता हुआ ये यहां से होता है, थोड़ा सा हम इसको राइट करें, कुछ इस प्रकार से समकोण बनाता हुआ ये भी क्या होता है, ये भी 4 इंच का होता है भाई, 4 इंच का होता है ये इस प्रकार से। उसके बाद आप देखिए 4 इंच का ये हो गया, जो ऊपर की ओर थोड़ा तिरछा होता है और धारदार होता है, छत की फाल्स और सीलिंग में छेद करने के लिए, आपने देखा हो कई बार डेकोरेशन के लिए या जो लेंटर होता है उसकी घर में नीचे ना आए उसके लिए हम सीलिंग लगा देते हैं, उस सीलिंग में जब आग लगती है तो यहां से इस सिरे को हम उसके अंदर फंसा करके और इस सिरे से हम उस सीलिंग को नीचे गिरा लेते हैं। दूसरा देखिए क्या कहता है, कई बार क्या होता है हम जब फायर फाइटिंग करते हैं किसी गांव में लटकती हुई तारे होती हैं उनको हटाने के लिए गिराने के लिए हम इस उपकरण का प्रयोग कर लेते हैं। उसके बाद ये कहता है जलती हुई वस्तुओं को खींचकर निकालने के लिए, काफी दूर है हम उसके पास नहीं जा सकते, सीलिंग हुक लेकर के उन वस्तुओं को खींच करके हम आग बुझा लेते हैं, आग के छोटे छोटे भाग करके आग बुझा लेते हैं। या भाई एक होता है हमारा फायरमैन स्विच होता है, फायरमैन स्विच होता है उसको दबाने के लिए हम क्या करते हैं, सीलिंग हुक का प्रयोग करते हैं। आगे चलते हैं हम, ये था हमारा ड्रैग हुक। ड्रैग हुक होता है ये, इसको हम पंचेगड़ा भी कहते हैं, आपने कई बार मूवीज में देखा होगा अपनी जो फायर सॉरी जो अपनी बोट होती है उसमें आपने अक्सर ये देखा होगा पंचेगड़ा होता है इस प्रकार से, और कई बार उसमें देखा होगा आपने कि इसको घुमा करके ऊपर दीवार पे फेंका जाता है और कहीं पे फंसा करके उसके रस्सी के सहारे इसके ऊपर चढ़ा जाता है, वो हमारा 2 टाइप का हो जाता है, ये हमारा 5 प्रकार का है, इसमें 5 हुक लगे हुए। देखिए क्या कहता है, ये 4 से 5 फीट लंबे लकड़ी के पोल पर, यहां पे ये डंडा जो होता है ये 4 से 5 फीट लंबा होता है भाई, ठीक है, ये जो लंबाई है इसकी ये 4 से 5 फीट लंबी है। उसके बाद ये कहता, देखिए इसमें आगे एक विशेष लोहे का हुक लगा होता है जिसमें 3 से 5 समकोण बनाते हुए हुक लगे होते हैं, और क्या होते हैं देखिए, जिसे हम देहात में क्या कहते हैं, पंचेगड़ा कह देते हैं, और खलिहानों का ढेर खींचने के ये काम आता है, खलिहान खेतों में जब आग लगती है ना और वहां पे कोई भी गड्ढे वगैरह किसी भी प्रकार के हमने गड्ढे इकट्ठे कर रखे हैं उसको हम खलिहान कह देते हैं, ढेर जो होता है उसमें जब आग लगती है तो उसके ऊपर फेंक करके इसको और उनको हम खींच लेते हैं, ये एक वहां काम आता है, क्या नाम है, ड्रैग हुक। उसके बाद हम आखिरी पॉइंट पे चलते हैं, देखिए स्ट्रेचर इसने दिया है, स्ट्रेचर की ये बात करता है, देखिए स्ट्रेचर क्या होता है, घायल व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए स्ट्रेचर का हम प्रयोग करते हैं, आपने देखा भी होगा कि दो व्यक्ति एक आगे से एक पीछे से उसको उठा करके लेके जाते हैं, दो डंडे होते हैं बीच में कपड़ा होता है उसके ऊपर घायल व्यक्ति को लेटाया जाता है और उसको उठा करके जब हम चलते हैं उसे हम क्या कह देते हैं, स्ट्रेचर बोलते हैं उसको। देखिए स्ट्रेचर के बारे में क्या लिखते हैं कि ये जो उसकी कुल लंबाई, हम यहां पे स्ट्रेचर बना लें, समझाने के लिए बस थोड़ा सा, ठीक है,
इस प्रकार से हमने स्ट्रेसर बना लिया। इसके ऊपर एक कपड़ा है, ये नीचे लगे होते हैं, इधर ये मैंने हैंडल बना दिए इसके, ठीक है। ये देखिए क्या कहता है, ये टोटल जो है 7 फीट 9 इंच, तकरीबन 7.5 फीट के आसपास, अप्रोक्सीमेटली लगभग ये 7.5 फीट लंबा होता है। उसमें कहता है कि और चौड़ाई जो इसकी दी गई है वो 22 से 23 इंच, मतलब 2 फीट के नियर अबाउट, ये जो इसकी यहां से यहां तक की जो चौड़ाई होती है वो 2 फीट दी गई है इसने, लगभग 22 से 23 इंच। उसके बाद कहता है जमीन से 6 इंच ऊपर रखने के लिए, जमीन, जब जमीन के ऊपर तो हम पूरा का पूरा नहीं रख सकते उसको, क्यों, जमीन के ऊपर रख दिया तो घायल व्यक्ति को उसके ऊपर प्रॉपर नहीं लेटा पाएंगे हम, तो जमीन से थोड़ा सा ऊपर रखने के लिए हम किन चीजों का इस्तेमाल करते हैं, रनर उनको बोल देते हैं, नीचे जो लगे होते हैं स्टॉपर जो बोल सकते हैं आप, रनर उनको बोल सकते हैं, वो ये होते हैं। उसके बाद देखिए क्या गया, स्ट्रेचर की किरमिज का जो कपड़ा होता है जिसके ऊपर हम घायल व्यक्ति को लेटाते हैं वो कितना लंबा होता है, ये यहां से यहां तक इसकी इसने लंबाई दे दी 6 फीट की। अब स्टैंडर्ड साइज किसी व्यक्ति का कितना हो सकता है कि 6 फीट, कोई ही ऐसा रेयर केस मिलता है कि 6 फीट से ज्यादा लंबा हो, वरना ज्यादातर क्या होते हैं 6 फीट से कम ही होते हैं, इसलिए 6 फीट उस कपड़े की लंबाई रखी जाती है। उसके बाद देखिए एक साइड में क्या होता है, एक पॉकेट बनी होती है जिसमें पिलो सेक होता है, रबर की गद्दियां वगैरह लगाई जाती हैं, इसी रबर सॉरी कपड़े की गद्दियां बनाई जाती हैं, पैड बनाई जाती हैं, और किरमिज से बाहर 10.5 इंच के हैंडल निकाल दिए जाते हैं। ये जो हैंडल होते हैं तकरीबन 10 या 11 इंच के हैंडल हम इनको बना देते हैं ताकि पकड़ने में हमें आसानी हो। और क्या होता है, स्ट्रेचर को तय करके बांध कर रखने के लिए 2 स्ट्रैप्स भी लगे होते हैं, इसको फोल्ड करके इसको हम लॉक भी कर सकते हैं, ये हमारा स्ट्रेचर होता है। तो ये जितने भी मैंने नाम आपको बताए हैं सारे के सारे के इसमें शामिल हो जाते हैं हमारे स्मॉल गियर्स में। एक बार फिर से रिपीट मैं कर देता हूं, देखिए स्मॉल गियर्स में हमारे सबसे पहले कौन से आते हैं, इसको 7 भागों में बांटा गया है। स्मॉल गियर्स वो होता है जो छोटे छोटे आग बुझाते समय या फायर फाइटिंग करते समय छोटे छोटे विशेष उपकरण होते हैं जिनसे हमारा काम आसान हो जाता है और काम को जल्दी से कर पाते हैं, उन्हें हम स्मॉल गियर्स कहते हैं। सबसे पहले कहता है कि ब्रेकिंग इन टूल्स जो होते हैं वो सारे के सारे हमारे स्मॉल गियर्स में शामिल होते हैं। दूसरा कहता है कटिंग इन टूल्स, तीसरा कहता है रेस्क्यू गियर, और चौथा हमारा लाइट्स जो हो जाती हैं, पांचवा हमारा ट्रांसपोर्ट टूल्स का है, और छठा हमारा क्या है सॉरी टर्निंग ओवर टूल्स है, फिर हमारा ट्रांसपोर्ट टूल्स है, और फिर है हमारा मिसलेनियस या स्पेशल इक्विपमेंट। ये 7 भागों में स्मॉल गियर्स को मुख्य रूप से बांटा गया है, और ये क्या है हमारे सारे के सारे स्मॉल गियर्स हैं। ठीक है, थैंक यू।